Hello everyone, this is Shweta from VAC Global Education and today I am here to talk about a very disheartening news that agar aapke low grades hain in your previous education then immigration holds the right to reject your visa and they may. Shayad ye kuch naya nahi hai because low grades ki wajah se pehle bhi visa reject hue hain aur ab bhi ho rahe hain aur aage bhi ho sakte hain because grades are very important. Canada ya koi aur bhi country agar aapko वीज़ा ऑफर करेगी वो इसी ग्राउंड पे करेगी फॉर स्टडी पर्टिकुलरली दैट आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है. अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके लो ग्रेड्स हैं या हाई बैकलॉग्स हैं, सो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने अगर पहले पढ़ाई नहीं करी तो आप आगे भी अच्छे से पढ़ाई करोगे, या आप जो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो वो उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा. कैनेडा या और कोई कंट्री ऐसे प्रोफाइल्स को इमिग्रेंट प्रोफाइल कंसिडर करती हैं दैट यू जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू द कंट्री बाय दिस पर्टिकुलर वीज़ा एंड देन द लेटर एवरीबडी नोज. सो इन दिस पर्टिकुलर केस हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो प्रीवियस रिजल्ट है दैट मे इम्पैक्ट और मे नॉट इम्पैक्ट योर फ्यूचर. इस न्यूज़ का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं या जो सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड हैं आपके फर्दर स्टडीज से, अगर उन्हीं में आपका लो स्कोर है तो हाउ विल यू बिल्ड योर फ्यूचर इन कैनेडा, और आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया हाउ विल यू बिल्ड योर करियर. इसी ग्राउंड पे, इसी रीजन की वजह से वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं. यस्टरडे ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैव केप्स नोट ऑल्सो एंड एवरी थिंग फ्रॉम अदर कंसल्टेंट एंड दे हैव गॉट देयर वीजा रिजेक्टेड. उसमें क्लियरली रीजन मेंशन था दैट बिकॉज ऑफ लो ग्रेड्स द वीजा इज गेटिंग रिजेक्टेड. नाउ अब इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज जिससे आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग भी कर सकते हो. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू लिस्ट दोज फाइव पॉइंट्स जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग कर सकते हैं कि आप अपने आप को रिजेक्शन से सेव कर सकते हैं. दूसरा, देयर विल बी बोनस टिप्स इन द एंड, सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड. सो फर्स्ट पॉइंट है द काइंड ऑफ स्टडी दैट वी डू इन इंडिया एंड द काइंड ऑफ स्टडी कैनेडा डज. इसमें बहुत डिफरेंस है. हमारी कंट्री थियोरिटिकल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहती है एंड बाहर प्रैक्टिकल. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप कैनेडा जाके कैसी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे विच विल एनहेंस योर करियर. सेकेंड की अगर मैं बात करूँ आइल्स को, अगर आपका लो ग्रेड है तो आप अपने आइल्स पे तो अभी भी काम कर सकते हैं. गेट गुड आइल्स स्कोर बिकॉज जितना अच्छा आइल्स स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. थर्ड, इफ़ पॉसिबल चूज यूनिवर्सिटी ओवर कॉलेज. यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है. देर आर प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज हुज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बिलो 50 और टिल 50%. सो आप वहाँ अप्लाई करेंगे, आपको एलिजिबिलिटी कॉलेज की भी मीट होगी प्लस इमिग्रेशन से भी आपको वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. फोर्थ, अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं सो ट्राई टू गो फॉर बैचलर्स देन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज, एंड अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो अगेन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा की जगह आप मास्टर्स प्रेफर कीजिए प्लीज, ये आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग करे. फिफ्थ इज शो स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट इन इंडिया जिसके लिए आप वापस इंडिया आएंगे. शो दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री. You are not just an immigrant who just want to get into that particular country. In this particular video, I am talking about Canada. So it's not like that you want to get into Canada. You just want to go there, study, get good knowledge, skills, and come back to India and build your career. Show that through your SOP. Mention about all the things that you have done in the past, about your present and future. अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका रिजेक्शन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा. नाउ आई विल टॉक अबाउट द बोनस टिप्स. सबसे पहला, अगर आप फ्रेशर हैं तो मेक श्योर आप इंटर्नशिप करें कहीं पे एंड यूज दैट इंटर्नशिप लेटर टू शोकेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्स दैट यू आर गोइंग टू डू इंस्टेड ऑफ योर ग्रेजुएशन. अगर आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे अपनी इंटर्नशिप से जो करियर आप बिल्ड करना चाहते हैं, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा रादर देन योर लो ग्रेड्स ऑफ एजुकेशन एंड योर फ्यूचर स्टडीज दैट यू आर गोइंग टू डू इन कैनेडा. इनका रिलेशनशिप जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. इफ़ यू हैव डिसेंट वर्क एक्सपीरियंस तो आप उस वर्क एक्सपीरियंस से आप शो कर सकते हैं आप फ्यूचर करियर कैसे बिल्ड करेंगे. फॉर इंस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, अभी आपकी करंट कितनी सैलरी और इंडिया में जब आप वापस आएंगे उस कोर्स को करने के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी. सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, अभी आप कौन सी डेजिग्नेशन पे हैं और आगे आपका करियर ग्राफ कैसे बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन.
एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंपनी, आप जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं आगे जब आप आएंगे वापस, तो किस टाइप की कंपनीज आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टेन एजुकेशन को ही प्रेफर करती हैं, सो आप उस चीज़ को भी मैंशन कर सकते हो. दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन. इमिग्रेशन को ये लगना चाहिए दैट यू हैव योर थिंग्स सॉर्टेड, यू नो वॉट यू आर गोइंग टू डू. अगर पहले नहीं भी पढ़ाएगी फॉर एनी एक्स वाई जी रीजन, यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन फ्यूचर. यू नीड टू जस्टिफाई योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वेरी इफेक्टिवली, वेरी एफिशियंटली इन योर एस ओ पी, एंड मेक श्योर यू अटैच ऑल द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद इट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रांग एस ओ पी. अभी जो मैंने बोला एस ओ पी में आप अपनी सारी जर्नी लिख सकते हैं. एस ओ पी इज लाइक योर मिरर इमेज. आप अपनी लाइफ के बारे में जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट योर पास्ट एजुकेशन, योर प्रेजेंट एजुकेशन और योर करियर डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रिलेटेड विद द कोर्स कॉन्टेंट ऑल्सो, वट यू आर गोइंग टू स्टडी देयर एंड हाउ एवरी कोर्स कॉन्टेंट इज गोइंग टू एड दैट पर्टिकुलर स्किल और इंटरपर्सनल स्किल और टेक्निकल स्किल इन योर लाइफ एंड हाउ इट विल एनहेंस योर करियर. मेक श्योर यू राइट अ डिटेल्ड येट यूनिक एस ओ पी टू जस्टिफाई योर केस एंड मेक श्योर यू गेट योर अप्रूवल. सो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है और ये रीजन है और आपका रीजन रिजेक्शन का लो ग्रेड्स है, सो मेक श्योर यू रीच आउट टू अस. वी विल हेल्प यू इन गेटिंग द वीजा एंड वी विल ट्राई टू जस्टिफाई योर केस एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल. और इसके अलावा अगर आपको कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, इनमें से किसी भी कंट्रीज में वीजा प्रोसेस करना है या कॉलेज एप्लीकेशन करना है, वी आर देयर. We deal in all these countries. हम आपको end to end support करते हैं from college application to visa application. आपको पूरी journey में हम support करते हैं and our process is very transparent. So make sure you reach out to us. There is a link in the description that you can click and our counselors will be happy to help. Thank you so much. Bye bye.